नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू अल्टो K10 या न्यू अल्टो 800 के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह ऑटोमोबाइल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, लॉन्च डेट हो या वेरियंट्स हो, सभी चीज़ों की आज इस बारे में बात करने वाले इस वीडियो में कम्प्लीट ही जानकारी दे देंगे आपको कि नई अल्टो K10 कब लॉन्च होने वाली है और इंडियन मार्केट इस बार अल्टो से कैसी खाया पलट करने वाला है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्योंकि जब से अल्टो K10 बंद हुई थी, अल्टो 800 इस तरह के वेरिएंट आने लगे थे, तब से लोग मतलब इस गाड़ी को थोड़ा सा भूलने लगे थे। मतलब जो अल्टो K10 लवर्स थे वो शिफ्ट होने लगे थे वैगनार पे, सेलेरियो पे। तो अब अल्टो K10 का ट्रेंड दोबारा वापस ला रही है मारुति सुजुकी। तो एक बार एक्सटीरियर पर ध्यान लगा लीजिए कि एक्सटीरियर कैसा मिलने वाला है। पहले के मुकाबले में एक्सटीरियर बिल्कुल चेंज हो चुका है, एक्सटीरियर से बिल्कुल गाड़ी चेंज हो गई है। बेशक हेलोजन हेडलैम्प ही मिले पर, लेकिन डायमेंशन वगैरह सब कुछ आप एक्सटीरियर से देखिए, सब कुछ चेंज मिल रहा है। यानी R13 के स्टील रिम्स के साथ गाड़ी आने वाली है, शायद टॉप एंड मॉडल में R14 के भी मिल जाए, पर अभी तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि R13 के व्हील्स मिलेंगे। पीछे से टेल लैम्प का डिज़ाइन भी थोड़ा थोड़ा सेलेरियो से मैच खा रहा है, पर यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा है टेल लैम्प्स का भी अल्टो K10 के मामले में, क्योंकि अल्टो में आज तक ऐसे टेल लैम्प्स नहीं मिले हैं। डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखो तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, आगे बात करेंगे डायमेंशंस की भी। अब इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर इसका दो गाड़ियों जैसा हो सकता है, या तो एस्प्रेसो जैसा है, नहीं मारुति सेलेरियो जैसा। अब बाहर से डायमेंशंस देखने के बाद तो लग रहा है कि इंटीरियर न्यू सेलेरियो जैसा ही हो सकता है, जैसे उसमें AGS वगैरह के फीचर आते हैं और जो भी कुछ मतलब सेम आपको वैसा ही सेलेरियो जैसा ही मिलने वाले। की भी इस बार टॉप एंड मॉडल में इस तरह की मिल जाएगी आपको। अब वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं न्यू अल्टो K10 वेरिएंट्स में। मारुति ने ऑफिशियली अपना ये पेपर लीक कर दिया था रशलेन के माध्यम से, या रशलेन ने लीक करा था। तो स्टैंडर्ड टोटल 11 वेरिएंट इस बार अल्टो K10 में मिलेंगे आपको, 4-5 आपको AGS के साथ मिल जाएंगे और आपको 6 वेरिएंट नॉर्मल मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड वेरिएंट से बेस मॉडल की शुरुआत होगी, जिसमें AC भी नहीं आता। अब ये थोड़ा सा मुझे ठीक फीचर नहीं लगा। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि डायमेंशन आपको किस तरह का मिलने वाला है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 3530 mm, विड्थ 1490 mm और हाइट 1520 mm। हाइट इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, शायद पुरानी वाली i10 से भी थोड़ी सी बड़ी मिल जाए। अब आगे और चीज़ों की बात करूँ तो लॉन्च डेट की बात करूँ तो मैं लॉन्च इस बार 18 अगस्त 2022 को आपके सामने ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा अल्टो K10 या अल्टो 800। अल्टो K10 या अल्टो 800 इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्या पता दोनों ही नाम से गाड़ियाँ लॉन्च हो जाए, जो बेस मॉडल में 800 cc का इंजन मिल जाए और टॉप एंड मॉडल में K10 cc का इंजन मिल जाए। जैसे वैगनार में आपको देखने के लिए दो इंजन मिलते हैं, 1 लीटर 1.2 लीटर, इसमें भी शायद दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। 800 cc या K10 C सीरीज का इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो 66 bhp और 89 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन में मिल जाएगा, माइलेज 24.76 km का मिल ही जाएगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। पर लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होने वाली है पुराने वाली अल्टो K10 के मुकाबले में। बाकी अल्टो K10 के बारे में इसी तरह चैनल पर